तो दोस्तों यह एक डीटीएच का रिमोट कंट्रोल है जिसमें एक रेड एलईडी लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं डायरेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पर किसी भी बटन को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर एलईडी लगातार जलता ही रहता है, ये बंद नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा प्रॉब्लम किसी भी रिमोट में जिसमें एलईडी लगा होता है ये डायरेक्ट क्यों हो जाता है, अपने आप जलता क्यों रहता है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, पूरी बातें आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों किसी भी रिमोट का अगर एलईडी इस तरह से लगातार जलता रहता है तो इसका कारण होता है इसमें कार्बन आ जाना, यानी कि इसका कोई बटन है वह अंदर से चिपक जाता है जिस कारण से रिमोट का जो एलईडी है लगातार जलता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी बटन यहाँ पर चिपका हुआ नहीं लग रहा है लेकिन यह अंदर से चिपक जाता है, कार्बन हो जाने के कारण अंदर से चिपक जाता है। तो यहाँ पर अगर आप बैटरी को निकाल कर दोबारा भी लगाएंगे ना तो भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ठीक कैसे होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैटरी निकाल लिया, अब दोबारा से मैं इसको लगा कर देखता हूँ कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं वही प्रॉब्लम अभी भी है, इसमें लगातार एलईडी जल रहा है और रिमोट यहाँ पर काम नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है ये बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को बस देखते रहिएगा, छोटा सा वीडियो है। तो यहाँ पर आपको पहले रिमोट को ओपन कर लेना है, तो इस तरह से हम हल्की सी घुसा कर यहाँ पर उठाते हुए रिमोट को पहले ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इसका सर्किट को निकालना है ये प्लेट को, और आप देख पा रहे हैं इसका जो रबड़ है ना ये कीपैड वाले इसमें सभी तरफ धूल मिट्टी बैठा हुआ है। दोस्तों धूल मिट्टी यहाँ पर जम जाता है जिस कारण से इसमें चिपचिपाहट पैदा हो जाता है, ऑयलीपन आ जाता है और कार्बन जम जाता है जिस कारण से क्या होता है कि बटन अंदर से ही टच होने लगता है जिस कारण से ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केरोसिन ऑयल लेना है। जी हाँ दोस्तों आपको केरोसिन ऑयल लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप थिनर का यूज कर सकते हैं, पेट्रोल का यूज कर सकते हैं, और आपको इसको साफ करने के लिए एक पुराने ब्रश ले लेना है। दोस्तों ये केरोसिन ऑयल ही है जिसके साथ कुछ ग्रीस मिल चुका है जिसका कलर अलग लग रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्लेट को हल्की हल्की यहाँ पर कुछ समय तक यहाँ पर हल्की से साफ कर देना, ठीक है, इससे कि इसका ऑयलीपन है जो चिपचिपाहट है वह गायब हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से दोस्तों इस रबड़ में भी जो कीपैड रबड़ है ना यहाँ पर भी आपको इस तरह से ब्रश चला देना है हल्की हल्की, इसमें भी चिपचिपाहट होगा, जो धूल मिट्टी होगा ये साफ हो जाएगा और आपका जो बटन है सर्किट के साथ अपने आप टच नहीं होगा और इसका जो एलईडी लगातार जलता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस प्लेट को दोबारा लगाते हैं और देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है, अब इसका बैटरी को लगाएंगे यहाँ पर और दिखाएंगे आपको कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि। चलिए इसको इसका बैटरी को लगाते हैं और इसका बटन को प्रेस करके देखते हैं कि वही प्रॉब्लम अभी भी है या नहीं। तो यहाँ पर हमने बटन को प्रेस किया लेकिन यही नहीं जल रहा है, प्रेस करने के बाद जो एलईडी लगातार जलता था वह अब नहीं जल रहा है, प्रेस करने के साथ तो जलता ही है लेकिन प्रेस करने के बाद नहीं जल रहा है, यानी कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ना इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।